नमस्कार, SangeetaAgarwal.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बिना प्याज लहसुन के टेस्टी करेले की सब्जी बनाएंगे। करेले बनाने के लिए जब आप करेले खरीद कर लाएं, तो छोटे छोटे करेले लेकर के आएं, क्योंकि छोटा करेला कच्चा होता है और अगर आप बड़े बड़े करेले लेके आएंगे तो उसके अंदर करेले के पक्के बीज निकलेंगे, इसलिए करेला छोटा छोटा ही खरीदें। यहाँ पर हमने 250 ग्राम करेले लिए हैं और करेलों को पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम एक करेले को लेकर के इसके बीच में से कट लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसे पूरा नहीं काटना है, क्योंकि हम यहाँ पर भरमा करेले बना रहे हैं और इसके अंदर हल्का हल्का नमक लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा करेला बीच में से सफेद है और ये कच्चा है। और इसी तरीके से हम सभी करेलों के बीच में कट लगा करके उनमें नमक लगा देंगे। करेलों में नमक लगा कर रखने से इसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। हमने सभी करेलों में कट लगा करके इनमें नमक लगा दिया है। अब हम इन्हें 1 घंटे के लिए इसी तरीके से रखा रहने देंगे। हमारे करेलों को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इन्हें पानी में धोएंगे। अब हम इन्हें इस तरीके से पानी में धोएंगे, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा नमक निकल जाए, और इन्हें एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। हमने करेले में से बीज नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमारे करेले के बीज कच्चे हैं। अगर आपके करेले के बीज पक्के हों तो उन्हें आप निकाल दें। और इसी तरीके से हम सभी करेलों को धो करके एक अलग प्लेट में रख लेंगे। अब हम करेलों में भरने के लिए मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लेट में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 3 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच नमक। नमक हम यहाँ पर कम ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने करेलों में भी पहले नमक लगाया हुआ है। 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे हम हाथ पर अच्छे से रगड़ करके फिर डालेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा इमली का पल्प डालेंगे। यहाँ पर हमने इमली को गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दिया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा इमली का पल्प मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मसाला इतना बनाना है जो कि हमारे सभी करेलों में भर जाए अच्छे से। हमारा मसाला अच्छे से मिल चुका है। अब हम करेले को इस तरीके से बीच में से खोलेंगे और इसमें थोड़ा सा मसाला भर देंगे, और इन्हें भरने के बाद इस तरीके से दबा दें, और इसी तरीके से हम सभी करेले भर लेंगे। अब हम एक कुकर को गर्म करके इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल करेंगे और सरसों के तेल को धुआं उठने तक पकाएंगे। हमारे तेल में धुआं उठने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हमारा तेल हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें करेलों को रखते जाएंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके और करेलों में हल्का सा प्रेशर बनने देंगे, जिससे हमारे करेले हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें कुकर में पूरी सीटी नहीं लेनी है। जैसे इसमें प्रेशर बनने लगे, तब आप गैस को बंद कर दें और इसे भाप में पकने दें। आप देख सकते हैं कि हमारे कुकर में प्रेशर बनने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप से निकलने के लिए रखा रहने देंगे, जिससे कि भाप में हमारे करेले अच्छे से पक जाएं। हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे करेलों का कलर चेंज हो चुका है, ये गल चुके हैं। अब हम इन्हें मीडियम गैस पर अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। हमारे करेलों को सिकते हुए करीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे करेले अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए, हमारे करेले की सब्जी तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।